आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन तथा होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी कप्तानों को दिए निर्देश। कहा, लाइसेंसी बंदूक को कराएं जमा, अवैध असलहों पर भी रखें नजर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए आरक्षण सूची पर दर्ज की गई सभी आपत्तियों का किया गया निस्तारण। डीपीआरओ ने कहा, आए 900 आपत्तियों का किया गया निस्तारण। आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगले आदेश के बाद जारी होगी अंतिम सूची। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में मध्य जायद अभियान 2021 के तहत फसल के उत्पादन की रणनीति हेतु राज्य स्तरीय जायद गोष्ठी का किया गया आयोजन। किसानों की उपज को बढ़ाने संबंधी दी गई जानकारी। एडीजी जोन की मौजूदगी में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई यातायात व्यवस्था संबंधित बैठक। कहा, शहर क्षेत्र में नहीं चलेंगे देहात परमिट के ऑटो। एडीजी जोन ने कहा, जाम लगने पर संबंधित चौकी इंचार्ज होंगे जिम्मेदार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मोहद्दीपुर एवं गोलघर काली मंदिर के चौराहे के विस्थापन सुधार कार्य संबंधित बैठक। कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के दिए निर्देश। सीडीओ एसडीएम सदर एसपी क्राइम सहित 10,282 लोगों ने लगवाया पहले और दूसरे डोज की कोरोना का वैक्सीन। कहा, अफवाहों पर ना दे ध्यान, पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा कुल 15 नाबालिग बच्चे किए गए रेस्क्यू। बिहार से तस्करी करके बाल श्रम कराने ले जा रहे थे दिल्ली। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला जेल बाईपास समिति की बैठक। सड़क चौड़ीकरण में आने वाले काश्तकारों के भूमि मुआवजा के संबंध में हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सलाहकार समिति डीसीसी एवं जिला स्तरीय डीएलआरसी की समीक्षा बैठक। बैंक के अधिकारियों को दुर्घटना बीमा के तहत दिए गए लाभ की सूची उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,501। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 28 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पादरी बाजार में अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। 45 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता की गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने की निंदा। काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, दोषियों पर कार्रवाई की मांग।